दोस्तों, मैं शुभ जैसा आपका बहुत स्वागत करता हूँ 3 मिनट अपडेट के एक नए एपिसोड में लेकर आया हूँ आज की टॉप 5 टेक अपडेट्स। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, आज की पहली टेक अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से। कुछ दिनों पहले मैंने नवंबर की सीरीज में एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि गूगल एक नई स्कीम लेकर आया है जिसमें गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं या तो उनके ऐप्स या वेबसाइट या कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं गूगल के, अगर कोई उसमें बग्स बताता है, ढूंढ कर बताता है उन्हें, तो गूगल उन्हें रिवॉर्ड देगा। इसी में 4 मिलिशियस एक्सटेंशंस बताए गए हैं जो कि गूगल क्रोम में मिले थे। तो जिन रिसर्चर्स ने ये मिलिशियस एक्सटेंशंस बताए हैं उन्हें गूगल ने $3 मिलियन यानी कि लगभग 19 करोड़ रुपए रिवॉर्ड दिए हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये कुछ एक्सटेंशन ऐसे थे जो कन्वर्ट लिस्ट तो हुए थे क्रोम में किसी और चीज़ के लिए, लेकिन फिर बाद में बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए यूज़ होने लगे। इसके वजह से गूगल जो रिसर्चर्स थे उन्होंने गूगल को बताया कि ये भाई मिलिशियस कुछ एक्सटेंशंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, तो इसके लिए गूगल ने उन्हें रिवॉर्ड दिया है। दोस्तों, अगली टेक अपडेट भी गूगल की तरफ से आ रही। गूगल का जो डुओ ऐप है उसमें एक नई अपडेट आई है। इसके थ्रू ये होगा कि अगर आपके पास डुओ है और किसी दूसरे को कॉल करना चाहते हो किसी दूसरे एंड्रॉयड हैंडसेट पे जिसके पास डुओ ऐप नहीं है, तब भी आपकी वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। और साथ ही साथ जो वीडियो क्वालिटी होगी वो वैसी ही रहेगी, मतलब HD क्वालिटी रहेगी, किसी तरह से डिक्रीजमेंट आपको क्वालिटी में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो रिसीवर होगा जिसको आप कॉल करोगे, जब कॉल एंड हो जाएगी तो उसके पास एक मैसेज आएगा जिसमें उसे डुओ इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। ये सिर्फ एक ऑप्शनल रहेगा, वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन पॉपअप विंडो भी खुलकर आएगी जिसमें कॉलर को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। दोस्तों, तो आज की तीसरी अपडेट आ रही है सैमसंग लवर्स के लिए। सैमसंग बहुत एक प्लान कर रहा है एंड टू एंड स्क्रीन यानी कि बेजल लेस हैंडसेट जो कि वो 2019 तक लेकर आएगा। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आईफोन एक्स में जिस तरह से एंड टू एंड डिस्प्ले दिया गया था लेकिन उसमें थोड़ा सा बेजल दिया गया था ईयर पीस के लिए, इसमें वो भी नहीं रहने वाला, प्योर तरीके से आपको एंड टू एंड स्क्रीन दी जाएगी। दोस्तों आज की चौथी टेक अपडेट आ रही है विंटर ओलंपिक गेम्स से जो कि साउथ कोरिया में अभी फ्राइडे को स्टार्ट हुआ है प्योंगचांग में। जो ये विंटर ओलंपिक्स जब सेरेमनी चल रही थी तभी कुछ हैकर्स ने शुक्रवार की शाम को इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसे पूरी तरह से हैक कर लिया जिससे इनके जो सर्वर्स थे वो शट डाउन हो गए और जो ऑडियंस थी जो टिकट बुक कराना चाहते थे वो पूरी तरह से परेशान हो गए। फ्राइडे की शाम से लेकर शनिवार तक ये जो सर्वर्स थे इनके पूरी तरह से शट डाउन रहे। दोस्तों, आज की पांचवी और आखिरी टेक अपडेट आ रही है भारत स्वच्छ मिशन को लेकर। भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत लखनऊ के अंदर 2 मशीनें लगाई गई हैं, गार्बेज वेंडिंग मशीन्स, जिसमें आप कचरा डालकर पैसे भी कमा सकते हो। दोस्तों, इसमें एक आधार स्कैनर लगा हुआ है, जब आप कचरा डालोगे तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा जिससे वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा और उस आधार से रिलेटेड जो कि आपके डिजिटल वॉलेट्स होंगे जो भी उससे लिंक होंगे आधार से उनमें आपको उसके बदले पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों ये कैश नहीं, डायरेक्टली आपके वॉलेट में सबमिट हो जाएगा। यहाँ बताने मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक की बॉटल उसमें डालते हो तो उसमें आपको 1 रुपये मिलेंगे, जबकि अगर ग्लास की बॉटल डालते हो तो उसमें आपको 2 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, इन जो पैसों जो आपके वॉलेट्स में आ जाएंगे इनका यूज़ आप बिजली के पेमेंट या जो भी बिल पेमेंट करना चाहते हो उसके लिए कर सकते हो। दोस्तों, अभी ये लखनऊ में फिलहाल लगाई गई हैं लेकिन जल्द ही अगर ये सक्सेसफुल होता है लखनऊ के अंदर तो पूरे कंट्री में भी ये लगाया जाएगा। इससे पहले दोस्तों ये चाइना में इस तरह की मशीन्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।